Face on. सो हेलो एवरीवन, बेन 10 की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। एंड गुरु लोग, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेन के सबसे खतरनाक एलियन गैक्स के बारे में, जो कि काफी हद तक विल गैक्स जैसा ही लगता है। एंड जब इसे पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था बेन 10 रिबूट में, उस समय काफी सारे फैंस का ये कहना था, अरे साला ये तो विल गैक्स है। बट आई एम सॉरी टू से, वो होता है बेन का एक नया एलियन गैक्स। एंड गैक्स को पहली बार देख के फैंस के मन में सबसे ज्यादा उत्सुकता और क्यूरियोसिटी इस बात की आई कि गैक्स की पावर्स क्या हैं, इसके अलावा गैक्स की ओरिजिन स्टोरी क्या है, और तो और का डीएनए आया कहां से ओमनीट्रिक्स में। सो गुरु लोग, वीडियो के रेजोल्यूशन को हाई कर दो, इसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड इस चैनल पे बेन 10 की दीवानों के लिए सब्सक्रिप्शन एकदम मुफ्त में है। सो गुरु लोग, विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम, लेट्स स्टार्टेड। तो गुरु लोग, गैक्स की ओरिजिन स्टोरी जानने से पहले हमें बेन 10 नो वॉच के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि बेन 10 नो वॉच में ये क्लियर हो जाता है कि बेन 10 के यूनिवर्स में भी मल्टीवर्स एंड डिफरेंट टाइमलाइंस होते हैं। आई नो कि ये आप सभी को पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता, मैंने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जैसे कि मैंने बताया कि बेन 10 के यूनिवर्स में भी काफी सारे टाइमलाइंस एंड मल्टीवर्स है। एंड गैक्स की ओरिजिन स्टोरी इन्हीं सारे बेन 10 के टाइमलाइन से एक टाइमलाइन की स्टोरी होती है। बाकी सारी टाइमलाइन के हिसाब से ही बेन 10 की स्टोरी एक ही जैसी होती है, बट यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स में मेजर चेंजेस हो जाते हैं। नहीं समझ में आया ना, रुको मैं समझाता हूँ। तो गुरु लोग, गैक्स के टाइमलाइन में जब एजमथ ओमनीट्रिक्स को क्रिएट करता है, तो उस टाइम पे एजमथ को काफी सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करना पड़ता है, एंड उसके लिए ओमनीट्रिक्स बनाना काफी ज्यादा टफ हो जाता है। हालांकि एजमथ के पास में इतनी एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी होती है कि वो ओमनीट्रिक्स को अकेले बना ले, बट वहाँ पे एजमथ ने हेल्प ली अपने एक असिस्टेंट की, जो होता है विल गैक्स। जी हाँ गुरु लोग, इस टाइमलाइन में ओमनीट्रिक्स को बनाने में एजमथ की हेल्प विल गैक्स करता है। तो विल गैक्स एजमथ की पूरी तरीके से हेल्प करता है ओमनीट्रिक्स को क्रिएट करने में, एंड विल गैक्स एंड एजमथ मिलके ओमनीट्रिक्स को क्रिएट भी कर लेते हैं। ओमनीट्रिक्स की पावर को देख के विल गैक्स का ईमान डोल जाता है, एंड इसके बारे में एजमथ को भनक लग जाती है। विल गैक्स एजमथ को धोखा देके एजमथ से वो ओमनीट्रिक्स ले लेता है, एंड उसका काफी मिसयूज करता है। पर जैसे कि एजमथ को विल गैक्स के प्लान के बारे में पहले से ही पता था, इसी वजह से एजमथ ने ओमनीट्रिक्स को क्रिएट करते टाइम पे अपना एक वॉइस कमांड दे दिया था, जिससे एजमथ ओमनीट्रिक्स को अपने वॉइस कमांड से कंट्रोल कर पाए। एंड जिस टाइम पे विल गैक्स ओमनीट्रिक्स को पहन के काफी सारे उसके मिसयूज कर रहा था, एजमथ ने अपने वॉइस कमांड से विल गैक्स से वो ओमनीट्रिक्स को छीन लिया। पर ओमनीट्रिक्स के उतरते ही विल गैक्स के सारे डीएनए एंड उसकी पावर्स को ओमनीट्रिक्स ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे कि ये सीन हमने बेन 10 अल्टीमेट एलियन में देखा ही होगा कि कैसे अल्टीमेट्रिक्स बाकी एलियन डीएनए को स्कैन करती थी, एंड उसी तरीके से ओमनीट्रिक्स को उतारते समय विल गैक्स का सारा डीएनए एंड पावर ओमनीट्रिक्स एब्जॉर्ब कर लेता है। उस टाइम पे विल गैक्स काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो एजमथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। एंड आगे की स्टोरी हम सभी को पता है कि बेन टेनिसन को ओमनीट्रिक्स कैसे मिली। बट आफ्टर दैट, जब विल गैक्स अपने आप को थोड़ा रिकवर करता है, सो वो ओमनीट्रिक्स को ढूंढने की तलाश में निकल पड़ता है। अब क्योंकि विल गैक्स ने भी ओमनीट्रिक्स के ऊपर काफी सारा काम किया था एजमथ के साथ में, तो विल गैक्स को भी ओमनीट्रिक्स के बारे में काफी सारे सीक्रेट्स पता थे। एंड विल गैक्स को ये भी पता था कि ओमनीट्रिक्स के अंदर विल गैक्स का डीएनए है, तो इससे और भी ज्यादा आसानी हो गई विल गैक्स को ओमनीट्रिक्स को ढूंढने में। विल गैक्स को पता चलता है कि ओमनीट्रिक्स अर्थ नाम के प्लेनेट पे है। एंड जैसे ही विल गैक्स अर्थ के क्लोज आता है, ओमनीट्रिक्स के अंदर गैक्स का डीएनए एक्टिवेट हो जाता है। बट विल गैक्स के आने से पहले ही बेन को गैक्स के डीएनए के बारे में पता चल जाता है दैट ओमनीट्रिक्स के अंदर में एक नया एलियन आया। जब बेन पहली बार गैक्स में चेंज होता है, तो उसे काफी सारे पावर्स को फील करने का मिलता है। बेन को ये अंदाजा हो जाता है कि बेन 10 के सारे एलियंस में से गैक्स सबसे ज्यादा पावरफुल एलियन होता है। गैक्स के सबसे ज्यादा पावरफुल होने की वजह से बेन बार बार गैक्स में ही ट्रांसफॉर्म होया करता था। इस वजह से विल गैक्स के लिए और भी ज्यादा ये आसान हो गया बेन के माइंड को कंट्रोल करना, क्योंकि बेन जिस गैक्स एलियन में ट्रांसफॉर्म होया करता था, वो एक तरीके से विल गैक्स का ही डीएनए था। एंड इस वजह से जब भी बेन गैक्स एलियन में ट्रांसफॉर्म होता था, सो बेन का पूरा कंट्रोल गैक्स एलियन के ऊपर नहीं हो पाता था। एंड ऐसे सारे सिनेरियोज को हम सभी ने काफी बार बेन 10 की सीरीज में देखा ही होगा। इन सारे सिनेरियोज में से सबसे ज्यादा यादगार सिनेरियो रैग एलियन एंड गोस्ट फ्रीक एलियन का होता है, जहां पर बेन इन दोनों एलियंस के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल नहीं कर पाता। सो
विलगैक्स के अर्थ पे आने के बाद में वो बेन की हेल्प करता है गैक्स के पावर को समझने में। एंड बेन को ट्रेंड करते करते विलगैक्स ओमनीट्रिक्स से गैक्स का डीएनए वापस से ले लेता है। एंड विलगैक्स फिर से पहले की तरह काफी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो जाता है। जैसे कि विलगैक्स ओमनीट्रिक्स से गैक्स के डीएनए को वापस से ले लेता है तो ओमनीट्रिक्स के अंदर से गैक्स का डीएनए चला जाता है। एंड बेन टेनिसन कभी भी गैक्स में वापस से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। सो गुरु लोग, ये तो रही डिफरेंट टाइमलाइन में विलगैक्स एंड गैक्स एलियन की एक डिफरेंट ओरिजिन स्टोरी। एंड इसके साथ साथ ये भी कि गैक्स एलियन का डीएनए ओमनीट्रिक्स में कैसे आया। एंड आई होप सभी को ये बात बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गई होगी कि ओमनीट्रिक्स के अंदर गैक्स एलियन का डीएनए कैसे आ गया था। एंड गुरु लोग, अब अगर बात कर ली जाए गैक्स एलियन के पावर्स एंड कैपेबिलिटी की, तो भाई लोग यहाँ पे गैक्स एलियन के पास में भर भर के सारे पावर्स दिए गए हैं। यानी कि गैक्स एलियन के पास से सुपर स्टैमिना, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर पावर्स, सुपर ह्यूमन एलिजिबिलिटी। रुको रुको, मेरी तो सांस फूल गई, पर अभी पावर्स और बाकी हैं। आंखों से वो लेजर मार सकता है सुपरमैन की तरह। एंड गैक्स के पास में हल्क से भी ज्यादा स्टैमिना एंड ड्यूरेबिलिटी होती है। एंड बस इतना ही नहीं, गैक्स तो ताकतवर है ही, साथ में उसकी मूछें या जो भी हैं वो मुझे नहीं पता, में इतनी पावर्स होती है कि वो बड़े से बड़े चट्टान को आसानी से उठा देती है। अगर हम दोनों से कोई भी पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया हो तो कमेंट में आप बता देना। सो गुरु लोग, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप सभी को वीडियो काफी ज्यादा एंजॉयबल लगी होगी। वीडियो अच्छी लग गई है तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो ज्यादा अच्छी लग गई है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। एंड अगर चैनल पे नए आए ही हो, बेंटन के दीवाने हो और ऐसे फैक्ट्स की वीडियोस को जानना चाहते हो और देखना चाहते हो तो चैनल को बिना कहे सब्सक्राइब कर दो। हालांकि चैनल को सब्सक्राइब करने की बात हम 10वीं बार बोल रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो गुरु लोग आप मिलें या ना मिलें, हम मिलेंगे अपने इसी चैनल पे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।